क्या अगर साइतामा यूनिकॉर्न डैड हो चुका है या फिर साइतामा यूनिकॉर्न आप लोगों को करोड़पति बना सकता है, एंड वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस ना करें, एंड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। बहुत टाइम से हमने देखा है साइतामा यूनिकॉर्न के ऊपर कोई भी यहाँ पर वीडियो नहीं है, ना ही कोई और बंदा इस पर वीडियो बना रहा है। सो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में आज डिस्कस किया जाता है। एंड सबसे पहले के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो साइतामा यूनिकॉर्न का आप लोगों को पता होगा ये माइग्रेशन हुआ था, क्योंकि इसमें पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर इसकी सप्लाई थी और जो इसके जीरो थे वो काफी ज्यादा थे। इस वजह से हम देखते हैं कि हमें कॉइन गेको के ऊपर आप लोग देख सकते हो इसका जो रिटर्न है वो काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, बट इट्स अ फेक रिटर्न बिकॉज माइग्रेशन हुआ था उसकी वजह से इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर गाइस कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी के टाइम पे करंट प्राइस 0.2 times 0.1183 का चल रहा है, एंड इसके अलावा जो रैंक है 362 है मार्केट रैंक। एंड गाइस यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो $45 million का चल रहा है, एंड गाइस आई थिंक यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट कैप काफ़ी कम है अभी के टाइम पे। एंड इसके अलावा जो अभी के टाइम पे इनके ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से कुछ अपडेट्स है वो साइता प्रो को लेकर के, मतलब साइता प्रो में कुछ नए चेंजेस कर रहे हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो इसका यूज़ केस है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इनके ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, गो डिसेंट्रलाइज्ड एंड मेक क्रिप्टो सेफ एंड सिंपल। क्रिप्टो को सेफ और सिंपल बनाने का इनका मकसद है, और हमने देखा है कि इन्होंने कुछ यहाँ पर कॉलेजेस भी स्टार्ट किए थे ताकि लोग क्रिप्टो के बारे में लोगों को समझा सके एंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो सारी चीज़ें ये बता सके। इन्होंने ऐसा खुद से कहा था स्टार्टिंग में जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। लेकिन अभी के टाइम पे जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी के टाइम पे लास्ट में गाइस हम देख सकते हैं कि जो लास्ट 30 days का इसका परफॉर्मेंस रहा है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20% यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है। लास्ट 90 days की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कोई चार्ट डाटा शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो आप लोग देख सकते हो 30 days के अंदर मतलब 90 days में काफी ज्यादा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। एंड गाइस आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि साइता प्रो में हमें काफी अच्छे पंप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको एज ए मीम टोकन ट्रेड करने को कहूंगा, क्योंकि आप लोग अगर चाहते हो इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना तो एज ए मीम टोकन आप इसको इन्वेस्ट करो। और गाइस बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, बल्कि एक छोटा सा अमाउंट अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी इसमें एक पंप देखने को मिले तो आप लोग यहाँ पर इसके से पंप ले सकते हो। और हमने देखा है कि पहले भी इसने काफी अच्छे अच्छे पंप दिए हैं और आने वाले टाइम में शायद ये बेयर मार्केट से निकल के काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मार्केट रैंक में भी हम देख सकते हैं 365 है, तो मतलब काफी लोग इन्वेस्टेड है भी और टीम भी इनकी यहाँ पर काम करती रहती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक जरूर कर देना। बाकी आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें खुद की रिसर्च की बात करें, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।